फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी और इन कॉन्ट्रास्ट में क्या फर्क है। वे नहीं समझ पाते हैं कि दोनों का सही इस्तेमाल क्या है। तो आइए फ्रेंड उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना कि कोई एक नाउन ऐसा नहीं बल्कि वैसा है, यानी कोई एक नाउन इस चीज से बिल्कुल अपोजिट है। वो इस टाइप का नहीं है बल्कि उस टाइप का है। जैसे वो ईमानदार नहीं है बल्कि वो एक फ्रॉड है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने इस सेंटेंस में बोला कि कोई एक नाउन ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है। तो इस सेंटेंस आप कहेंगे He is not honest. On the contrary, he is a fraud. वह गरीब नहीं है बल्कि वह अमीर है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस सेंटेंस में मैंने बोला कोई एक नाउन ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है, यानी वो इस चीज से बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा नहीं बल्कि वो वैसा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He is not poor. On the contrary, he is rich. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया कि ऑन द कॉन्ट्रेरी का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना कि कोई एक चीज ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है, यानी वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। वो ईमानदार नहीं है बल्कि बेईमान है। वह गरीब नहीं है बल्कि अमीर है। वह शरीफ नहीं है बल्कि चालबाज है। वह बीमार नहीं है बल्कि हट्टा कट्टा है। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि इन कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल आप कब करेंगे। फ्रेंड्स, इन कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल आप ऑन द अदर हैंड के सेंस में करते हैं, यानी जब आपको कहना हो वहीं दूसरी तरफ, तो आप इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इन कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना कोई दो नाउन आपस में अलग अलग हैं, यानी कोई दो नाउन आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे शेर गोश्त खाता है वही दूसरी तरफ बकरी घास खाती है, या भैंस काली होती है वही दूसरी तरफ गाय सफेद होती है, नींबू खट्टा लगता है वही दूसरी तरफ करेला कड़वा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पर दो नाउन के बारे में बात किया और मैंने बताया कि ये दो नाउन आपस में अलग अलग हैं या डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर आप इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे शेर गोश्त खाता है वही दूसरी तरफ बकरी घास खाती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द लॉयन ईट्स मीट, ऑन द अदर हैंड द गोट ईट्स ग्रास। भैंस काली होती है वही दूसरी तरफ गाय सफेद होती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द बुफेलो इज ब्लैक, ऑन द अदर हैंड या इन कॉन्ट्रास्ट द काउ इज व्हाइट। नींबू खट्टा होता है वही दूसरी तरफ करेला कड़वा होता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेमन इज सो, इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड बीटर गॉड इज बीटर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक अब शानदार तरीके से समझ में आए कि ऑन द कॉन्ट्रेरी और इन कॉन्ट्रास्ट अलग अलग चीज हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो कोई एक नाउन ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है, यानी कोई एक नाउन ऐसा नहीं है बल्कि वो इसके ठीक अपोजिट है। वही दूसरी तरफ आप इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको कहना कि कोई दो नाउन आपस में अलग अलग है या कोई दो नाउन आपस में डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। अब तक के लिए बाय।